दोस्तों दुबई गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा रूल्स में चेंजेस कर दिए हैं। यहाँ पर अभी जॉब स्टेटस में कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री हो या गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो या चार प्राइवेट कोई एजेंसी जो है कोई भी जॉब करती है या यहाँ पर कोई भी अगर जॉब करता है तो यहाँ पर अभी जो है रूल्स जो है दोस्तों 6 घंटे का टाइम अलग दिया गया है। अब जो 8 घंटे का टाइम आपको नहीं कम्प्लीट करना है इसमें आपको 6 घंटे का ड्यूटी पैटर्न रखा गया है। जी हाँ, आपको 2 घंटे का पर डे के हिसाब से आपको छुट्टी पहले हो जाएगी और वो सभी को फॉलो करना पड़ेगा। जो फॉलो नहीं करेंगे उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे इंडियन गवर्नमेंट्स में हमारे फेस्टिवल्स में चीज़ें नहीं होती हैं, 1 दिन की छुट्टी 2 दिन की होती है और इसके यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा नियम उनको लगता है। तो सोचा आप लोगों के साथ इस सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। बाकी जो लोग यहाँ पर दुबई में रह रहे हैं और जो अजमान शारजा और इन मुल्क ऐसे जगहों पर हैं उनका जो लिस्ट आप देख सकते हैं तैयारी का इस हिसाब से डिजाइन है और जो अबू धाबी में जो लोग रहते हैं उनकी लिस्ट भी अलग से हमने लगाई है, वो भी इस इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग वहीं प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो रमज़ान आने वाले हैं तो खुशी का माहौल है, वो लोग के लिए जो रमज़ान रखते हैं और हम लोग के लिए भी थोड़ा खुशी का माहौल इसलिए होता है तो अच्छी हो जाता है और थोड़ी बहुत हमको भी टाइमिंग मिल जाती है रेस्ट करने का, तो ये काफ़ी अच्छा हम फीचर लगता है इधर। और जॉब में यहाँ पर करने का जो इंटरेस्ट है वो बहुत अच्छा है। बाकी इंडिया के कंपेयर में यहाँ अगर हम जॉब की तुलना करते हैं तो यहाँ जॉब प्रोफाइल है वो बेटर है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो ये इंफॉर्मेशन जॉब से रिलेटेड और रमजान से रिलेटेड। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक इजाज़त, जय हिंद, जय भारत।